दोस्तों कैसे आप सभी। और खेतों में शाम का समय हो चुका है और यही हमारा कच्चा रास्ता है जो आता है। और मैं पहुंचा हूँ खेत में। यहाँ पे आपको हमारे घर वाले भी मिलेंगे और हमारा ऑक्स भी, क्योंकि मैं अभी अभी जैसे गांव में पहुंचता हूँ तो मैं नहान होकर फिर मैं खेतों की तरफ आ जाता हूँ। साथियों, बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ रहा है। ये बाजरा भाई दो बार लगा लिया। ये हमारा ऑक्स घर जाने की ये तैयारी करता हुआ आ जा। इसको बेचारा गर्मी हो गई, मच्छर लड़ गए। आ जा ओस ओस। ये हमारा ऑक्स है, क्या खाएगा? लो खा ले खा ले खा ले। ये हमारा ओक्स है भाई, और ये बाजरा है। घास भी पैदा हो गया, थोड़ी बारिश और हो गई तो ये अच्छे हो जाएगा अच्छे से। अब उधर हमारे घर वाले भी काम कर रहे हैं। ये हमारी गाड़ी है, ये बाजरा है भाई, ये हमारी बैलगाड़ी हो गई यहाँ पे। ये खेतों में सांप भी रहते हैं भाई। ये हमारा तख्त है, टूट गया। कभी इस पे हम ताश भी खेला करते, घर में ताश खेलते थे भाई यहाँ पर। और ये हमने जब पिछले एक सप्ताह पहले जब इसको हम खोद रहे थे, तो यहाँ पर ये मैंने जामुन लगा रखी बहुत बढ़िया वाली। कुरुक्षेत्र से इसका जो बीज है वो लेके आया था मैं। ये हो जाती नाली, यहाँ से भी पशुओं के लिए घास काटा जा रहा है। देख सकते हैं तो गाइस, देख सकते हैं अब बहुत ज्यादा वहां पे घास फूस पैदा हुआ है। आपको दिखा रहा हूं मैं, वो सामने कपास का पौधा है, कॉटन का, उसके अंदर बहुत ज्यादा घास है। इसके अंदर तो थोड़ा खत्म हो गया है, ये इसकी खुदाई करनी पड़ेगी तब जाके अच्छे से ये होगा। तो साथियों, बारिश का इंतज़ार है और ये व्लॉग आप देखते रहिए हमारे। अब आपको दिखाते हैं हाईवे, उधर हाईवे है वो, जो गाड़ियाँ चल रही होगी आपको दिखाई दे रही होगी। तो व्लॉग आप हमारे देखते रहिए ना, और वीडियो को शेयर भी करते रहना। और कहाँ से आप हो हमें ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह का टाइम हो चुका इस टाइम, और अब पानी लेकर खेतों में सुबह सुबह, जो आपको बताया था मैंने, कॉटन का काम चल रहा है अभी, खुदाई का। देखो शहरों में तो आपको लोग सैर करते हुए मिलेंगे सुबह सुबह, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं, यहाँ पे जो मिलेगा आपको अपने खेतों की तरफ जाता मिलेगा काम करने के लिए। मैंने भी पानी की बोतल उठाई है, क्योंकि 9-10 बजे तक, 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक काम करेंगे। अभी देखो सुबह के 5:30 हो चुके हैं। मैं भी रात को थोड़ा लेट सोया था, 11:15-11 के आसपास, इसलिए मुझे भी जाग नहीं आई, नींद आ रही थी यार, क्या करें। अब जाएंगे यहाँ पे कोई नीम की दातुन तोड़ेंगे उसके चलते चलते, और पैदल खेत में। ये हमारे खेतों में रास्ता जाता है यहाँ से, और आगे जाके फिर एक कच्चा रास्ता आएगा। और देखो कोई भाई साहब तो मेरे से पहले भी आया हुआ है। ये तो हमारा पड़ोसी लगता है, दूर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जैसे ये ट्रैक्टर के साथ करवा रखा है इन्होंने, लेकिन सबसे पहले तो भाई घास ज़्यादा हो तो उसको बड़े कसी की तरह होता है, खुदाई करने का औजार उसके माध्यम से होते हैं। ये कॉटन का पौधा है, ये यहाँ पर बड़ा हो गया है, तो ऐसे ही बड़ा होता रहेगा। तो मैं शॉर्टकट में दिखा देता हूँ, उधर से हमारा खेत है। तो हमारा पड़ोसी भतीजा ही लगा हुआ है यहाँ पे, इनके ये भी सुबह सुबह आया हुआ है।
साथियों नींद आ रही है, क्या करें। सुबह सुबह आप भी उठा करे भाई, देखो पहले हम बिल्कुल 4 बजे उठा करते, एक्सरसाइज किया करते, लेकिन अब जैसे भी काम करते हैं तो वही एक्सरसाइज हो जाती है। कमेंट करना है कौन कौन खेतों में काम करता है। सुबह सुबह जाकर पानी भी ले जाओ घर से, वहाँ जाके खुदाई भी करो, वो घर वाले फिर आएंगे और भी आएंगे, वो बोले मैं जल्दी आ जाता हूँ कि मेरा सुबह घर पे काम नहीं होता, वो पशुओं का काम करेंगे भाई, घास का दूध निकालना। साथियों हमारे खेतों में पहुंच चुका हूं और मुंह में मेरे नीम की दातुन है। हम ब्रश करते हैं उसके बजाय दातुन करना हमें चाहिए, जहां तक हो सकता है ब्रश से बचना चाहिए। यहाँ पर सांप भी रहते हैं भाई, वो भी मिल सकते हैं, डर लगता है। कपास की जो खुदाई करने का औजार यहाँ पे रखा है, ये आप देख सकते हैं, ये औजार है, ऐसी खुदाई करते हैं, जो उसको उतारते हैं ऐसे, ये होता है औजार कपास की खुदाई करने का, आपने देखा होगा। मैं देखता हूँ कौन से और अच्छा रहेगा मुझे। ये नहीं, पहले वाले ठीक रहे। खेतों में ऐसे रख देते हैं वही, कोई लेके चुरा भी ले जाता है यहाँ से कई बार, तो क्या करें। तो साथियों चल रहे हैं हम खुदाई करने, वो पीछे वो आपको दिखाई दे रहा होगा, पीछे वाला एरिया जहाँ पर ज़्यादा हरा हरा दिखाई दे रहा है, वो पर घास पैदा हो गया है और इसको इससे उखाड़ना होगा, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता कमेंट कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। बुआ जी है भाई हमारी है।